हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि किसी की भी कॉल अपने फ़ोन में कैसे सुने। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको दूसरों की कॉल कैसे सुन सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप ये सब जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक देखना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। इसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपके मन में जो भी बात हो वो क्लियर हो। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना। लाइक करने से मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि मैं आपके लिए नेक्स्ट अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी तक ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि आप किसी का फ़ोन बिना टच किए उसकी कॉल सुन सकें। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप उसका फ़ोन एक मिनट के लिए ले सकें तो आप ज़रूर 100% उसकी कॉल अपने फ़ोन में डायरेक्ट सुन सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए क्या करना होगा। हमें सबसे पहले डायलर पैड पर आ जाना चाहिए। आ गए हम डायलर पैड पर। इसको ओपन करना होगा। इसमें आपको डायल करना होगा *401 *। अब जिस पर आप अपनी कॉल फॉरवर्ड करोगे, हम इस मोबाइल की कॉल फॉरवर्ड अपने दूसरे फ़ोन पर करते हैं तो उसका नंबर डाल दिया जाएगा 80 77 63 61 60 और डायल कर देंगे। नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग इज नाउ एक्टिव ऑन योर नंबर। ये तरीका आपने कर दिया तो जितनी भी इस फ़ोन पर आने वाली सारी की सारी कॉल दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगी और आप उन कॉलों को सुन सकते हैं कि किस से बात करता है या करती है। यदि आप इस फ़ोन की कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो डायल करना पड़ेगा *402 और डायल कर देंगे। नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। तो आपकी सारी कॉल डीएक्टिवेट हो जाएंगी। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आप किसी की भी कॉल कैसे सुन सकते हैं अपने दूसरे फोन पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।